होटल में हम आ चुके हैं अभी रूम हम ले रहे हैं यहाँ पर मुजफ्फराबाद में। तो जैसे ही हमें रूम मिलता है तो आपको बताएंगे। थके हुए बहुत है, खूबसूरत सा है लाउंज में हम लोग बैठे हुए हैं। लाउंज में हम बैठे हुए वेट कर रहे हैं, ऊपर पे देखें इतनी ज़बरदस्त है, इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे रूम मिलता है तो फिर हम बताते हैं आपको। चलिए तो रूम लिया है हम लोगों ने, ये फ्रिज पड़ा हुआ है, ये रूम और ये कश्मीर की कुछ सीनरी वगैरह है वो देखें आप, ये लाउंज और ये देखें जनाब कश्मीर। और जैसा कि मेरठ में तो मैं हूँ आज मुजफ्फराबाद में, और ये है इसके अच्छे से खूबसूरत से बने हैं। और जनाब ये इसका वॉशरूम खूबसूरत सा अच्छा सा बना हुआ जी। ये है जी तो, फिर हम थकन की वजह से अभी थोड़ा बहुत हो रहे हैं सुस्त, बाहर का व्यू कुछ इस तरह से। मैं फिर वो आपको ये शाम को या रात को दिखाऊंगी, फिलहाल मैंने कहा चलो दिखा दूँ। ये हल्का फुल्का खाना है, चले जी करते हैं एंजॉय इसको। शाम के टाइम में थोड़ा रूम से बाहर निकल कर आई तो ये बाहर का व्यू कुछ इस तरह से, ये देखिए मैं हूँ आज मुजफ्फराबाद में और ये हमारा होटल सा व्यू। यहाँ पर शायद किसी की शादी है तो ये सेटअप उनका हो रहा है। और ये देखिए जी बैठे बिठाए मूड हो गया और मैं यहाँ पर आई हूँ एबड़ा पार्क, नहीं सॉरी इधर कहाँ पर मुजफ्फराबाद में शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ये मैं आपको दिखा दूँ, मुजफ्फराबाद में अच्छी वैरायटी होती है हर किसी के अपने शहर की। तो बस थोड़ा सा हल्का फुल्का ले लिया जी। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इस खूबसूरत माहौल में, कर रहे हैं डिनर और अभी जैसे ही डिनर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बताती हूँ मुजफ्फराबाद में यानी कि कश्मीर में। पीछे का माहौल आप लोग देख रहे होंगे, पीछे का सीन कुछ यूं है। अब जैसे ही डिनर आता है तो फिर मैं आपको